A very kind request to you, please subscribe the channel and hit the bell icon for further updates. नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई मेंस में स्कोर वर्सेस रैंक। मतलब अगर आपको इतने से इतने के बीच में अगर स्कोर आता है आउट ऑफ 360, तो आपका रैंक कितना हो सकता है। एंड यू मे बी अवेयर दैट कि बेस्ड ऑन दैट आपको NIT कॉलेज, कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज और भी जितने भी अच्छे रीजनल कॉलेज है वो मिल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज हम देख लेते हैं स्कोर वाइज जो एक्सपेक्टेड है इस साल के आने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर 360 का स्कोर है, तो अगर आपको अगर आता है समवेयर 336, मतलब आपका टारगेट होना चाहिए 330 से 360 के बीच में, तो आपको आ सकता है टॉप 20 स्टूडेंट्स आप बन सकते हैं। बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर के डेटा एनालिसिस से आपका यही हो सकता है कि आप टॉप 20 स्टूडेंट में 100% आ सकते हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए 360 में से 336 आने के लिए, अगर आपको आपको टॉप 20 में आना है। तो सेम वे अगर हम देखें कि अगर आप बात करते हैं आपका टारगेट अगर है सपोज अगर 250 समवेयर, अगर उसके बीच में आना है तो आपका टारगेट होना चाहिए 300 से 335, मतलब 300+ मार्क्स अगर आपके आते हैं तो डेफिनेटली आपको जो स्कोर रहेगा समवेयर बेस्ड ऑन जैसे 310 से आप जितने अप्रोच करेंगे 335 तक, तो समवेयर आपको 21 से 25 के बीच में, ये जो स्कोर के बीच में आप लैंड वहाँ पे लैंड करेंगे। साइमल्टेनियसली अगर बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका रेंज रहेगा जो रह गया है आप 251 से 300 के बीच में, जो कि एक पॉसिबल स्कोर है डियर फ्रेंड, और आपको ये जरूर लाना चाहिए। और एक अच्छा बेस्ट इंस्टीट्यूट आप ले सकते हैं 251 लाने के बाद, प्रिटी श्योर, क्योंकि आप मैक्सिमम 250 लेके आते हैं तो अराउंड 1500 के अंदर 100% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रैंक रहेगा। और 1500 आने के बाद आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज NIT वारंगल कोई भी आप कैटेगरीज में हो 100% आपको ये मिलने की उम्मीद रहेगी। बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट की जो ऑल द एफर्ट लगाने के बावजूद 200 से 250 के बीच में आएंगे, या फिर उनका उतना ही प्रिपरेशन हुआ है बेस्ड ऑन द आपके टेस्ट सीरीज जो आप रेगुलरली दे रहे होंगे उस हिसाब से। अगर आपको मैं भी ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ आपका प्रिपरेशन हो चुका हो तो आप टेस्ट सीरीज देना चालू कर दे, बहुत अच्छे है, फिर जी के दे सकते हैं या फिर जो भी आकाश के, जो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे लेते हैं। बेस्ड ऑन दैट अगर आपके 200 से 250 आते हैं आउट ऑफ 360, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो रैंक है लेस देन 5000 5500 के बीच में आएगा, और अगर 250 में आप टच कर लेते हैं तो समवेयर अराउंड 1500 से आ सकता है। सो जो एक अच्छा है स्कोर और अच्छा एक NIT कॉलेज आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले आगे जाके उसमें, सो हम डिस्कस कर लेंगे कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो वहाँ पे आते हैं वो है 150 से 200 के बीच में, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट इसमें आते हैं। और यहाँ पे भी आने के बावजूद आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने की उम्मीद है 100%। आप देख सकते हो कि आपका रैंक आएगा 18,300, अराउंड 18,000 सीट्स है ऑल ओवर अगर NIT में बात करें अराउंड। सो यू नो यू विल गेट अ बेस्ट कॉलेज स्टिल अगर आप 151 से 200 लाते 360, मतलब 360 का हाफ कर लो तो डेट इज़ 180, राइट। सो मतलब आपको अगर 50% भी अगर मार्क्स आ जाते यू कैन लैग इट, बट 50% इज़ नॉट दैट मच, यू मस्ट बी अवेयर लाइक 150 भी लाना इट्स रियली डिफिकल्ट, बट यू नो एज यू मे नो दैट लास्ट ईयर का कट ऑफ फी था 75-80 आउट ऑफ 360, सो इतना ईजी नहीं है, बट इफ़ यू समहाउ कुड गेट इट दैट्स विल बी गुड फॉर यू। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस यहाँ पे लैग आते, अगर आप 50,000 के अंदर में भी हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको एक अच्छा कॉलेज जरूर मिल सकता है, क्योंकि नाउअडेज कॉलेज में सीट्स काफ़ी ही बढ़ गई है और काफ़ी कॉलेजेस भी बढ़ गए। तो समहाउ एटलीस्ट अगर आपको 55-57,000 भी अगर आ जाता है जो कि आपको लाना पड़ेगा, उसके लिए 100+ मार्क्स समवेयर अराउंड 15 ऐसा लेके आ पाते हो तो 100 प्रीटी श्योर हो कि आपको इतने तो मार्क्स मिल जाएंगे और एक अच्छा कॉलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 150 के बीच में आ जाए तो तब पर भी आपको NIT मिलने की चांसेस जरूर रहेंगी। सेम बात कर लेते हैं नेक्स्ट राउंड में जाके, नेक्स्ट राउंड जो है जो कि मुझे लगता है कि रिमेनिंग जितने भी है अराउंड 3 लाख स्टूडेंट्स डेफिनेटली यू नो मोस्ट ऑफ मेरे पहचान में भी यू नो मोस्ट स्टूडेंट जो लैग करते हैं ये आप आते हो यहाँ पे, मतलब समवेयर अराउंड 51 से 100 ज़्यादा स्टूडेंट इसमें आते। लेकिन आप देख सकते हो कि आप अगर 100 भी लाते हो या 95 इस सब लाते हो तो आपका 2.5 लाख रैंक जाता है, 2.5 लाख या 2.4 2.25,
बट यू नो ऑल दिस विल पुट यू इन डेंजर जोन. आपको डिफिकल्ट होगा कॉलेज लेना. सम हाउ इफ यू गेट अ रीजनल कॉलेज लाइक मैं कॉलेजेस की ऑलरेडी वीडियो बनाया है और भी बना दूंगा. आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो. आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में डाल दो आप बेस्ड ऑन योर यू नो एक्सपेक्टेशन. उसके लिए आपको करना क्या है, एग्जाम से पहले आपको टेस्ट सीरीज देना है. टेस्ट सीरीज आपको डेफिनेटली विल टेल यू कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हो, कहाँ पर अभी लैंड कर रहे हो. विल गिव यू अ बेटर आइडिया कि आपको कितना और प्रैक्टिस करना चाहिए. सो बेटर आइडिया रहेगा. सो गाइज लास्ट जो बच गए हमारे पास, अब जो लास्ट बच गए हैं वन से, लास्ट देख लेते हैं 1 से 150 के बीच में. तो आपका अराउंड, अगर आप 1 मार्क्स लेके भी आते हो तो आपको अराउंड 10 लाख आएगा, और अपने 50 मार्क्स भी लाए तो 2.5 लाख के बीच में रहोगे. और लास्ट जो आपने एकदम सारी क्वेश्चन गलती कर दिए तो आपको सारे क्वेश्चन गलती करने पे आएगा -40 मार्क्स. उससे ज़्यादा कम मार्क्स किसी का नहीं आ सकता है. तो वो हो गया लोवेस्ट, ठीक है, और मैं भी जो भी हूँ. सो गाइज यही था आज का हमारा इस टॉपिक जो था, जेई मेन स्कोर वर्सेस जेई मेन रैंक. आप सबको मेरा बेस्ट विशेस है, जम के पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट. अगर आपको अच्छा लगे, आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद, जय भारत.